आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी से नमकीन। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैक्रोनी, आधा कप कॉर्नफ्लोर और आधा कप मैदा। कुछ मसाले डाले हैं मैंने, जैसे कि लाल मिर्च, काला नमक, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर और नमक, ऑयल फ्राई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक बड़े बर्तन में पानी लेंगे और पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब पानी बॉईल होने लगे, हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे और हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। हमारा मैक्रोनी आपस में चिपकेगा नहीं। मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारा पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और अब हम इसे यहाँ पर मैक्रोनी डाल देंगे। लगभग 10 मिनट इसे पकने देंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हम 80% ही कुक करना है, हमें यहाँ पर पूरा कुक नहीं करना है। तो 80% के लिए हमें लगभग 10 मिनट लगेगा और पूरा कुक करने के लिए 12 से 15 मिनट लगता है। तो यहाँ हम 10 मिनट कुक करेंगे। इसमें हम इसे चला देंगे ताकि मैक्रोनी आपस में चिपके नहीं। और पानी हमेशा ज़्यादा रखेंगे ताकि जो ये स्टिकीनेस निकल जाए। बीच बीच में चेक करते रहेंगे वरना ये पूरा पक जाएगा। तो ये तो हमारा मैक्रोनी जो है ना, वो पक गया है। और अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसे एक स्ट्रेनर में छान लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक स्ट्रेनर में इसे छान लिया है और हम तुरंत ही इसमें ठंडा पानी, हो सके तो आइस कोल्ड वाटर इस पर डाल देंगे। तो मैंने पहले से ठंडा पानी डाल दिया है ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है तुरंत ही रुक जाए। ध्यान रखिएगा, इसको हमें 80% ही कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है। और इसका पानी पूरी तरीके से निकाल देना है, कुछ इस तरीके से इसको हिला देंगे ताकि मैक्रोनी का पूरा पानी निकल जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सारा पानी ड्रेन हो चुका है और अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इस अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था वो डालेंगे। मैंने अभी 2 टेबल स्पून डाला है कॉर्नफ्लोर और अब मैं 2 टेबल स्पून मैदा डालूँगी। फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लोर की जगह पे अगर आप चाहें तो आरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने ये डाल दिया मैदा और कॉर्नफ्लोर। अब इसे अच्छे से चला लेंगे। हमें एक अच्छी सी कोटिंग बनानी है इस पर, तो इस तरह से अच्छे से इसको चलाएंगे ताकि सारी मैक्रोनी में मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग अच्छे से हो जाए। और अगर कम पड़ता है, कम लगता है आपको, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं, लेकिन हाँ, कोटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर यहाँ पर और ऐड कर रही हूँ, कुछ ऐसे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। तो हमारा नमक पहले भी बॉईल करते समय भी डाला हुआ है और अभी भी मैंने थोड़ा सा डाला है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि नमक हम इसमें पहले से थोड़ा सा डाल चुके हैं और ये बहुत ही बढ़िया सी कोटिंग हो गई और मैक्रोनी हमारी सूखी सूखी और अलग सी दिखने लगी। ये देखिए आप, कितनी बढ़िया सी दिख रही है और इसमें कोटिंग भी बहुत बढ़िया सी हो गई है। ये देखिए, अभी मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर देती हूँ ताकि ये, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ताकि हमारा मैक्रोनी बिल्कुल सूखा और बढ़िया से कोट किया हुआ हो। इससे हमारी नमकीन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो मेन प्रोसेस इसका कोटिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये नमकीन बनने के बाद बहुत बहुत टेस्टी लगती है। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, कुरकुरे की तरह लगती है। और मैक्रोनी तो आपको पता ही है कि ये सूजी की बनी हुई है तो हेल्दी भी है। तो बाहर की नमकीन क्यों यूज़ करें,
हम घर में ही कुछ नया ट्राई करते हैं इस बार, और डैम श्योर कि आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और अब मैं इसे फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें सरसों का तेल डालूँगी। तेल आप अपने चॉइस का ही यूज़ करें, पर हाँ नमकीन जो है वो सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं सरसों के तेल में भी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा हो गया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, और अब ये मैं मैक्रोनी डाल रही हूँ इसमें, कुछ इस तरीके से डाल देंगे। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हमने ये डाला है तो इसको तुरंत नहीं छेड़ेंगे, एक दो मिनट के लिए इसको फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसे चलाएंगे ताकि जो कोटिंग लगी हुई है वो ऑयल में अलग ना हो। अब हम इसे धीरे से चला देंगे। कोटिंग हमारी अच्छे से लगी हुई है, और अब हम इसे चला देंगे अच्छे से और इसे फ्राई होने देंगे बढ़िया से। बहुत जल्दी बनती है नमकीन, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, इस बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको नमकीन मेरी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर स्टेप में मैंने जो है अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अभी थोड़ा ये हल्की सी कुरकुरापन समझ में आने लगा है चलाने से, तो थोड़ा सा और इसको फ्राई होने देंगे। ये स्टार्टिंग में हमने ढेर सारा डाला था, तो उससे फ्लेम आज थोड़ा सा कम हो जाती है, इसलिए तेज़ किया, पर बाद में इसको धीमा ही करना है, ज़्यादा तेज़ आंच में इसको मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ये देखिए थोड़ा सा पिंक सा दिखने लगा है, और अब मैं इसे इस तरीके से बाहर निकालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो पेपर टॉवल में इसे निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारा निकल जाए। बाकी बचे हुए मैक्रोनी को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मैक्रोनी जो है वो फ्राई हो गया है, और अब मैं इसे एक बड़े बोल में ले लूँगी। ये देखिए इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, इससे पता चलता है कि ये कितना क्रिस्पी है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़ा सा गर्म है तभी मसाले ऐड करेंगे ताकि उसमें अच्छे से चिपक जाए। अब मैं इसमें जो है थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालूँगी इस तरीके से, लगभग हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर, और मैं यहाँ हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी। चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा भी खाते हैं, तीखा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक डालूंगी ताकि नमक ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन हाँ काला नमक ज़रूर ऐड करना है इसमें। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डालूंगी, मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, तो चाट मसाला अपने आप में बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड कर दूंगी। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा हर नमकीन में डालते हैं, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको थोड़ा सा एक ढक्कन से कवर कर लेंगे, क्योंकि जब इसको टॉस करेंगे तो मसाले उड़ेंगे और वो नाक में लगेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसा कवर कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे टॉस करेंगे। तो आपको फ्रेंड्स आवाज़ सुनाई दे रही होगी, थोड़ी ऐसी क्रिस्पी जैसी आवाज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, नमकीन हमारी बनकर के तैयार है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।